जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रीदेवी जी 24 फरवरी 2018 को इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उनकी मौत दुबई में हुई, जब वो एक शादी अटेंड करने गई हुई थी। पहले ये खबर आई कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, और पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई। उन्होंने शराब भी पी रखी थी। श्रीदेवी जी को जानने वाले कहते हैं कि वो शराब नहीं पीती थी, और ये सवाल भी उठा कि 1 फुट के बाथटब में कोई कैसे डूब सकता है। उनके पति बोनी कपूर से कई बार पूछताछ करने के बाद दुबई पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और श्रीदेवी जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी मौत एक राज बनकर रह गई। पर श्रीदेवी ऐसी पहली फिल्म स्टार नहीं थी जिनकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की रहस्यमय मौतों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओंकार और आप देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी। शिखा जोशी के फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2013 में आई फिल्म बीए पास से हुई। 16 मई 2015 की शाम को शिखा जोशी ने अपने फ्लैट के बाथरूम में अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। पहले पता चला कि वो अपने घर में अकेली थी, लेकिन बाद में एक वीडियो सामने आया जो उनके गला काटने के कुछ देर बाद की थी, और उस वक्त तक वो जिंदा थी। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि जिस इंसान ने वीडियो बनाया है उसने वीडियो इसलिए बनाया ताकि वो मर्डर में न फंसे। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से और देर से हॉस्पिटल ले जाने की वजह से शिखा जोशी की मौत हो गई। शिखा जोशी की सुसाइड के कारण उनका फिल्मों में काम न मिलना बताया गया। जिया खान एक ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यूट साल 2007 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म निसब से किया था। इसमें उनके अपोजिट अमिताभ बच्चन थे। इसके बाद उन्होंने गजनी और हाउसफुल जैसी फिल्में की। 3 जून 2013 को जिया ने अपने जूहू के घर में पंखे से फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। जिया की मां ने इस मौत का आरोप आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली पर लगाया। पुलिस ने सूरज पंचोली को 10 जून 2013 को गिरफ्तार किया और 2 जुलाई को सूरज पंचोली को बेल मिल गई। 3 जुलाई 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी और 1 अगस्त 2016 को सीबीआई ने इसे मर्डर मानने से इनकार कर दिया और इसे सुसाइड करार किया। परवीन बाबी अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। परवीन बाबी ने अपने करियर में बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें सुहाग, नमक हलाल, काला पत्थर, दीवार, शान, अमर अकबर एंथोनी शामिल हैं। 22 जनवरी 2005 को उनके सोसाइटी के सेक्रेटरी ने पुलिस को फ़ोन करके जानकारी दी कि 3 दिन से परवीन बाबी के घर के बाहर दूध और अखबार के पैकेट पड़े हुए हैं। पुलिस ने जब दरवाज़ा खोला तो उन्हें परवीन बाबी की लाश मिली। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उनके शरीर में खाने के अंश नहीं मिले और भूख की वजह से उनके सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उनके बेड के पास एक व्हीलचेयर भी मिली जो वो इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उनके पैर में डायबिटीज़ की वजह से गैंग्रीन हो गया था और वो चल नहीं पाती थी। अपने ज़माने की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस की ऐसी मौत ने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। मनमोहन देसाई का जन्म एक फिल्मी बैकग्राउंड वाले फैमिली में हुआ। उनके पिता कीको भाई देसाई और उनके बड़े भाई सुभाष देसाई दोनों फिल्म प्रोड्यूसर थे। मनमोहन देसाई को पहला ब्रेक एज ए डायरेक्टर उनके बड़े भाई ने ही अपनी फिल्म छलिया में दिया था। इसके बाद मनमोहन देसाई ने कई सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की, जिनमें अकुमार अकबर, एंथोनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कुली, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती आदि शामिल हैं। अखबारों के मुताबिक 1 मार्च 1994 को मनमोहन देसाई अपने बालकनी में खड़े थे, तभी जिस रेलिंग को पकड़कर वो खड़े थे वो टूट गई और वो नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। अफवाहें ये भी उड़ी कि वो अपनी पीठ के दर्द से बहुत परेशान थे और उनकी मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुसाइड थी। खैर जो भी हो, पर एक इतने बड़े डायरेक्टर की मौत रहस्य बनकर रह गई। साउथ की सबसे बोल्ड अभिनेत्री सिल्क स्मिता का असली नाम विजय लक्ष्मी वेटलापति था। उनको नाम उनकी फिल्म सिल्क के लिए मिला था। उन्होंने अपने 17 साल के करियर में 450 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। उन्होंने मलयालम, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। 23 सितंबर 1996 को उनकी लाश उनके चेन्नई के घर में मिली। उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि फिल्म प्रोड्यूस करते हुए उनके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि उनकी मौत बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुई। फिर भी कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि उन्होंने सुसाइड किया था। साल 2011 में सिल्क स्मिता के ऊपर फिल्म डर्टी पिक्चर बनाई गई, जिसमें विद्या बालन ने लीड रोल किया था। गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था। उन्होंने 50s और 60s के दौर में प्यासा, कागज के फूल,
साहिब बीबी और गुलाम और चौधरियों का चांद जैसे क्लासिक्स बनाए थे। प्यासा और कागज़ के फूल को टाइम मैगजीन ने 100 बेस्ट मूवीज में शामिल किया। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त अपने घर में अपने बेड पर मरे हुए अवस्था में पाए गए थे। उन्होंने शराब और नींद की गोलियां एक साथ ले ली थी। गुरुदत्त ने इससे पहले भी दो बार सुसाइड की कोशिश की थी, इसलिए साफ नहीं हो पाया कि उन्होंने शराब के साथ नींद की गोलियां गलती से ले ली थी या जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया था। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। उन्होंने 90s में हिंदी और तेलुगु में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। दीवाना फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यूट का अवार्ड भी मिला था। वो अपने जमाने की सबसे ज़्यादा पेड एक्ट्रेस थी। 1992 से 93 के बीच दिव्या भारती ने 14 फिल्मों में काम किया था, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती वर्सोवा की तुलसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके गिरने का कारण कभी भी साफ नहीं हो पाया। मीडिया में कई तरह की खबरें हैं, जिसमें यह कहा गया कि वो शराब के नशे में गिर गई, और यह भी खबर है कि उन्हें किसी ने धक्का दे दिया। उनकी मौत में उनका पति साजिद नाडियावाड़ा पर भी शक था। पुलिस ने अपनी जांच में इसे एक एक्सीडेंट डेथ माना और केस को 1998 में बंद कर दिया गया। ये थी बॉलीवुड की कुछ ऐसी मौतें जिनके ऊपर आज भी संदेह है कि ये मौत थी या आत्महत्या। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी को तो ज़रूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।